गपशप प्रोग्राम में शानवास बलोच आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाजरीन, आज हमारे पास बड़ी बड़ी खबरें हैं। वो साबिक वजीर तालीम सरदार यार मोहम्मद रिन, जो पीटीआई के पार्लिमानी लीडर हैं, उन्होंने अपने वजारत से मुस्तफ़ी होने का ऐलान कर दिया असेंबली फ्लोर पर। लेकिन इससे बढ़कर बड़ी बात यह है कि उन्होंने असेंबली फ्लोर पर संगीन नवीयत के इल्ज़ाम लगाए कि उनके इलाके में लोगों को मुसल्ला किया जा रहा है उनके खिलाफ। अगर उनकी जान को या उनकी फैमिली के किसी भी शख्स को जानी तौर पर नुकसान पहुंचा तो उसके जिम्मेदार वजीर आला होंगे। और उसके साथ ही उन्होंने ये कहा कि कच्ची में लगी आग और लसबेला तक फैल जाएगा, बहुत बड़ा खूनी तसादुम का खतरा। यानी कि उसने अपने स्पीच में ये बात कही। तो अब ये मामला, इस पर हम बात करेंगे। दूसरा ये कि सरदार यार मोहम्मद रिंद के मुस्तफ़ी होने के बाद अब मज़ीद हमारे पास खबरें हैं कि अरकान असम्बली मुस्तफ़ी होने जा रहे हैं, यानी कि जाम हुकूमत के लिए खतरे की घंटी बजना शुरू हो गई है। तीसरा जो बड़ी खबर है कि अब ये भी दावा सामने आ रहा है मुखालफीन की तरफ से कि बजट पास नहीं होगा, उन्हें नहीं दिए, बजट पास ही नहीं होगा। तो इन तीन मौजूदात पर हम बात करेंगे। रशीद, आज मैं और आप ना, इसलिए हमारा प्रोग्राम भी बहुत ताखीर से हमने इसको प्रोग्राम कर रहे हैं, तो ये सारे खबरें लेकर जो हम अब आए स्टूडियो। जी रशीद, अब मुझे बताएं कि मैंने जिस तरह कहा कि वजारत से मुस्तफ़ी होना इतना बड़ा मसला नहीं है, इन इल्ज़ाम को आप किस तरह देखते हैं? देखिए, बलोचिस्तान एक कबायली माशरा है और इससे पहले आपको पता है कि यहाँ पे कबायली झगड़े हुए हैं और खूनी तसादुम हुए हैं। कुछ ऐसे भी झगड़े हैं वो 30 सालों से चल रहे हैं। कुछ का पेचअप हो गया है, सुलह सफाई हो गई है, लेकिन अभी भी बहुत से कबायली मसाइल चल रहे हैं। लेकिन सरदार यार मोहम्मद रिंद ने जिस तरह के इल्ज़ाम लगाए हैं, देखें सरदार यार मोहम्मद रिंद कोई आम MP है, आम बंदा तो है नहीं, वो एक बहुत बड़े कबीले का सरदार है और इस तरह का इल्ज़ाम लगाना मेरे ख्याल में बहुत बड़ा संजीदा मसला है। इसको जाम साहब को आज ख़ुद जो है टेक ओवर करना चाहिए और बात करनी चाहिए। लेकिन जब सरदार यार मोहम्मद रिंद ने बात बलोचिस्तान असम्बली के सामने कही और बल्कि इससे पहले असेंबली फ्लोर पे उन्होंने ये बात असेंबली फ्लोर में इजारे ख्याल किया, फिर उसके बाद मीडिया बातचीत मीडिया पे दोहराया, तो होना ये चाहिए कि जाम साहब भी चूंकि अपने इलाके के आजारे के चीफ हैं, बड़े हैं, नवाब हैं, तो एक सरदार को नवाबी अपना जो है वो वजात या तसल्ली बख्श जवाब जो भी है वो दे सकते हैं। आपने देखा कि सरदार यार मोहम्मद रिंद के बाद CM हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, वजीर आला प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। यही हमें कहा गया कि जी वजीर आला साहब जो है, हम यही समझे थे कि जो सरदार यार मोहम्मद रिंद ने जो बातें कही हैं शायद वजीर आला साहब उनका जवाब देंगे। लेकिन जब हम वहाँ पे गए तो अनफॉर्चुनेट वहाँ पे जो है ज़ौर बुलेदी वजीर दाखिला सरदार अब्दुल रहमान कैतरान मतलब जाम साहब खुद नहीं थे और हमने कोशिश की उनसे बात करने की, बल्कि आपने सवाल भी किया। मैंने सवाल किया कि आप बहैसियत वजीर दाखिला इन इल्ज़ामात की तहकीकात करेंगे या आपके पास कोई मालूमात है? तो देखिए, वो जब आपने सवाल उठाया था तो उन्होंने कहा कि बतौर वजीर दाखिला मेरे इलम में ऐसी कोई बात नहीं है और सरदार साहब ने भी ऐसे कोई शिकायत या ऐसे कोई इंफॉर्मेशन रिटर्न में भी लिखकर मुझे नहीं दिए, रिटर्न में जबानी जो भी है कि मुझे नहीं दिए। तो होना तो यही चाहिए और आई होप, उम्मीद भी यही रखी जा सकती है कि जाम साहब इन मामलों को संजीदा समझ के उनका मेरे ख्याल में वजात देंगे या जो भी जवाब उनके पास है वो देंगे। तो आगे जाकर अब देखो, ये मामला इस तरह मैं कह रहा हूँ ना कि मैंने वजारत को एक तरफ रख दिया, वो पॉलिटिकल इख्तलाफात है। अगर एक दो दिन के अंदर वजीर आला की जानिब से इसका जवाब या रद्द अमल नहीं आएगा तो क्या समझा जाएगा? देखिए, देना तो चाहिए। देखिए, मैं फिर वही बात दोहराऊंगा, देखें किसी तर्जुमान या किसी को नहीं आना चाहिए। उन्होंने देखें, ये बहुत बड़ा संजीदा बराह रास्त है कि अगर मुझे या मेरे ख़ानदान में से किसी को कुछ हुआ तो उनके ज़िम्मेदार, उन्होंने जाम साहब का नाम लेके कहा कि वो होंगे ना। अभी जाहिर है कि जिनका नाम लिया गया है
तो जाम साहब ने बजात खुद इनका जवाब देना है ना, एक वजीर से या किसी से, क्योंकि ये सियासी कोई मामला है नहीं, कबायली मामले तो वजीर वगैरह का नहीं है। तो इसके लिए मुझे लगता है कि जाम साहब हो सकते हैं एक दो दिन में इसका जवाब देंगे, अगर नहीं देंगे तो मेरे ख्याल में ये थोड़ा सा दूरियां मजीद पैदा होंगी, क्योंकि इससे पहले भी जब भी सरदार यार अहमद रिंद से हमारी बातें हुई हैं तो उन्होंने हमेशा जाम साहब का गिला ही किया है, गिला किया है, सियासी हवाले से किए हैं, लेकिन इस दफा जो देखिए असेंबली फ्लोर बहुत बड़ा जिम्मेदार है, उसके अंदर जिम्मेदार फोरम है, वहाँ पे तमाम आपके बलूचिस्तान की नुमाइंदगी है, पूरी दुनिया उसको देख रही है, तो उस फ्लोर पे अगर ये बात कही गई है तो मेरे ख्याल में बहुत संजीदा मामला है। अच्छा, अब आ जाते हैं हम दूसरे अपने उस मौजू पर कि मजीद अराकीन असम्बली मुस्तफ़ी होने जा रहे, तो आप जाम हुकूमत को आइंदा दो हफ्तों में किस तरह देख रहे? देखिए सरदार यार अहमद तब्दीली आ सकती है, सरदार यार अहमद जब अभी हम मैं और आप बात कर रहे हैं उन्होंने अभी तक सिर्फ ऐलान किया है, अभी तक बाकायदा इस्तीफा नहीं गवर्नर को नहीं जो है गवर्नर को नहीं भेजा है, हालांकि जब उन्होंने बात की उसके कुछ देर बाद या काफ़ी देर बाद हमने तीन चार घंटे बाद हमने गवर्नर हाउस राबिता भी किया था कि जी कोई ऐसा अभी तक मौसूल हुआ है, तो गवर्नर हाउस की तरफ से अभी तक ऐसा कुछ नहीं कहा गया किस तरह है। देखिए इसमें दो चीज़ हो सकती हैं, एक चीज़ तो ये हो सकती है कि हो सकता है कि सरदार यार अहमद रिंद साहब से कल कोई डेलीगेशन या कुछ इस तरह मुफाहमती एक कमेटी बन के कुछ लोग जाके मिलेंगे, उनको मनाने की कोशिश करेंगे, और जो तहफ़ुज़ात हैं सरदार यार अहमद रिंद साहब के वो अगर दूर करने की यकीन दहानी की गई, वादा करार किया गया, तो मुझे लगता है कि सरदार साहब अपना इस्तीफ़े का ऐलान वापस ले सकते हैं। अगर वज़ीर आला की जानिब से इस मामले को ज़्यादा संजीदा नहीं लिया गया, क्योंकि इससे पहले भी वज़ीर आला साहब कह चुके हैं कि अगर सरदार यार अहमद रिंद आप जाना चाहते हैं काबीना से तो वो जा सकते हैं। मैं रशीद को इधर मैं ऐसा रशीद मैं यहाँ पर आपसे एग्री, आपने मुझे कंप्लीट नहीं करने दिया, ठीक है आप बात करें, नहीं नहीं आप नहीं नहीं कर लें। अच्छा मैं ये कह रहा हूँ कि आज सरदार यार अहमद रिंद ने फ्लोर में खड़े होकर कहा कि बलोची रिवायात वगैरह मतलब उन तमाम चीज़ों को रख कर उसने कहा कि मैं वो नहीं हूँ कि जिस तरह यहाँ पर एक रिवायत रही है कि जी चंद टक्कों के लिए यहाँ पर कुर्सियों पर से बैठे हुए चिमटे जाते हैं, मैं वो नहीं हूँ। मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि जो असमी फ्लोर पे सरदार अहमद रिंद ने बात कही है वो उस पर कमिटमेंट है, वो वापस नहीं जाएंगे काबीना में शामिल नहीं, वो ये कहना चाह रहे हैं आप कह रहे कि मैं मतलब हाँ आप मुझसे मज़ारे के वो इख्तलाफ रख सकते हैं, मेरी जाती राय थी मैंने आपके सामने रखी, मैं समझ रहा था कि अगर तहफ़ुज़ात दूर हुए, फिर मैं अपनी बात दोबारा दोहराऊंगा कि अगर सरदार साहब के तहफ़ुज़ात वज़ीर आला बलूचिस्तान ने दूर कर लिए, अमलन दूर कर लिए, ज़बानी नहीं अमलन दूर कर लिए, तो हो सकता है कि दोबारा काबीना जो मतलब काबीना अदारे के वो काबीना में ही रहे, क्योंकि मुझे इसलिए लगता है क्योंकि इस टाइम जाम साहब को बजट मंजूर करवाना है, पास करवाना है, उसके लिए जाम साहब को अपोजिशन की ज़रूरत पड़ेगी, चलो अपोजिशन नाराज़ है वो नहीं आएगी, तो कम से कम उसके जो है पीटीआई के साथ जितने भी कोलिशन जमाते हैं जो कोलिशन में इस वक्त मौजूद हैं उनकी तो हिमायत लाजम ज़ाहिर है कि चाहिए होगी उनको ना, इस वजह से मैं कह रहा हूँ। और आपके पास एक बड़ी खबर भी है जो आप कह रहे थे कि मुस्तफ़ी के वाले इसके बाद के आप मामला क्या होंगे आगे जाकर, तो जाम हुकूमत के लिए खतरे के लिए क्या खतरात हो सकते हैं? देखिए इतला तो ये है कि अगर सरदार साहब वापस नहीं गए ठीक है, तो दो ऐसे शख्सियत हैं जो इस वक्त काबीना का हिस्सा हैं, उनके मुस्तफ़ी होने के इम्कान बढ़ जाएंगे, क्योंकि उनकी सरदार यार अहमद रिंद से नज़दीकी का इलाकाई हवाले से और ज़ाती हवाले से ज़्यादा है। अभी आप पूछेंगे कौन है जी, आप बताएं नासिरीन को बताएं। उनमें से सरदार बाबर मूसा खैर डिप्टी स्पीकर बलूचिस्तान असम्बली और वज़ीर ट्रांसपोर्ट उमर जमाली, ये दो मुमकिन तौर पर सरदार यार अहमद रिंद को फॉलो करेंगे और वो अपनी वज़ारतों से इस्तीफ़ा देंगे। इस्तीफे के साथ साथ फिर एक मामला मसला इधर आके पैदा होगा, आया
कि ये तीनों जब फिर चार होंगे क्योंकि ये खातून रुकन असम्बली है कच्ची से हैं, तो अगर ये चार बंदों ने बजट में आज़ाद बेंच पे रहे, बजट का जो है वो उन्होंने हिमायत नहीं की, खामोश भी रहे ना, तब भी जाम साहब के लिए मुश्किल पैदा होंगी कि वो बजट पास करवा दें। मैं इसी बात पर आ रहा हूँ कि मज़ीद पीटीआई से अटकर मैं बात कर रहा हूँ कि ये दावा, मेरे पास जो ख़बर है, मेरी जो बात हुई है पीटीआई के एक अहम जिम्मेदार से, उसने मुझे यही बात कही कि मैंने कहा सरदार यार मोहम्मद रिन तो अकेले खड़े थे मीडिया से बातचीत देते, होना तो ये था उसके तमाम अराकीन असम्बली, तो उन्होंने कहा कि अराकीन असम्बली के हमारे छोड़े हमारे जो छः अराकीन असम्बली वहाँ मौजूद नहीं थे। उन्होंने कहा कि आइंदा जो आने वाले 10 दिन आप देखेंगे बलूचिस्तान की सियासत में एक बहुत बड़ी तब्दीली आएगी, और उसी के साथ कनेक्ट ये बात जुड़ गया है कि बजट भी पास नहीं होगा, ये दावा भी किया जा रहा है। देखिए जो बात आप कह रहे हैं पीटीआई के जराये से बावसुख अगर ये दावा पीटीआई की जानिब से सच साबित हुआ तो मैं आपको यकीन से कहता हूँ कि बलूचिस्तान हुकूमत की या जाम साहब की हुकूमत की इससे बड़ी सुबक्की हो ही नहीं सकता, इससे बड़ा हल्कापन हो ही नहीं सकता। अपोजिशन ने कहा था कि हम बजट नहीं पास होने देंगे, उनका तरीक़ेकार तशद्दुदाना था, ठीक है, उसको फिर जिस तरह का एक माहौल पैदा हो गया उसमें दोनों फरीकन को जो है लोग कह रहे हैं कि गलत हुए। अगर स्मूथली सियासी दायरे कार में रहकर अगर सरदार यार मोहम्मद रिंद ये मूजिब बन गए बजट रोकने का, तो मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ कि सरदार यार मोहम्मद रिंद का सियासी हवाले से मॉरल बहुत बुलंद होगा और जाम साहब का बहुत लो होगा। अच्छा ज़रा सा देखे मैं अब क्योंकि नाजरीन के सामने जब ओपन एक चीज़ रखते हैं ना, आपको याद होगा सरदार अख्तर मेंगल के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक, आज भी इसी दिन में नहीं मैं यही मतलब मैं बता रहा हूँ ना कि एक तसलसल बहुत बहुत आप पीछे से उठा रहे हैं कुद्दूस का, तो मतलब रिजेंटली है सरदार अख्तर मेंगल के दौर में जो जो उसके करीब थे ऐसे उड़कर गायब हो गए कि सरदार साहब को तना छोड़ दिया, और बाद में नवाब सनाउल्ला जेरी की अपनी जमात उसके अंदर से ही सारे अरकान से हट गए और काप लीग के साथ आ गए, कुद्दूस को दिया। तो ये हमने एक मतलब एक चीज रिवायत देखी और वही अरकान असम्बली आज भी मौजूद है, तो आपको लगता है कि एक बहुत जो दावा किया जा रहा है उसका तसलसल साबित होगा या नहीं होगा? देखिए मेरे ख्याल में ये जो आप बात कर रहे हैं ना, अगर हम इसको बहुत ज्यादा कुल की बात नहीं कर सकते, इसके लिए आपको ऊपर से इजाज़त लेनी पड़ेगी। अगर ऊपर से इजाज़त आपको मिल गई तो जाम साहब के ना बजट पास होगा और ना मामला आगे बढ़ेंगे। अभी आप थे सीएम सेक्रेटरी में, शायद मैंने पूछा था कि अंदर कोई ऐसी साजिश हो रही है जाम साहब के खिलाफ जो उसके साथ बैठे हुए लोग हैं वो कर रहे हैं, तो आपने देखा कि जो वज़रा थे उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा, उसके बाद एक लफ्ज़ में कहा कि जी नहीं ऐसी कोई साजिश नहीं हो रही है। तो इसका मतलब शायद मुमकिन है कोई खिचड़ी अंदर से पक रही है। मैंने इस पर आज आर्टिकल लिखा है, हो सकता है कॉलम लिखा है वो इस पर आया है। मैंने जाम साहब को एड्रेस करके कहा है कि जी अपोजिशन ने जो किया सो किया वो सबके सामने था। आप मुझे बताएं कि जब हालात इस हद तक खराब थे आपको किसने मशवरा दिया कि आप इस हालात में असेंबली आ जाएं, माहौल मजीद खराब हो जाए, क्योंकि उससे पहले गेट तोड़ दिया गया था, मामला बड़े गर्म थे। उमूमन किसी भी वजीर आला के कहीं पे जाने पे उसकी एक पूरी सिक्योरिटी टीम होती है, वो हालात को क्लियर करके मामला को क्लियर करके रास्तों को क्लियर करके तब जो है वहाँ से ग्रीन सिग्नल दे देता है, तब जो है वज़ीर आला साहब जो है वो मूव करते हैं। इधर जो मेरा जाती जो मैं सोच रहा हूँ, इधर वज़ीर आला साहब को किसी अपने करीबी ने कहा होगा सर कोई इशू नहीं है आप आ जाएं, वो इस वजह से उन्हें बुलाया था कि इस तरह का माहौल पैदा हो और हो गया।
मैं समझता हूँ अपोजिशन से इतना खतरा नहीं है जाम साहब को, अंदर से उसके जो लोग बैठे हुए हैं उनसे ज्यादा खतरा है। मतलब तब्दीली के इम्कान को रद्द नहीं किया जा सकता, 50-50 पर हम रख देते हैं आइंदा चंद दिनों के अंदर, 48 घंटे हमारे लिए, 48 घंटे नहीं, 48 मेरे ख्याल में नहीं, 24 घंटे हो सकते या आप आगे मजीद ले जाएंगे, हो सकते हैं आप हो, लेकिन थोड़ा समय आपसे इसलिए इख्तलाफ रखूंगा कि ये मामला ऐसा है, ये 48 घंटे 24 घंटे का नहीं है, इसमें आपको इस बजट के सेशन के आखिर तक देखना पड़ेगा, क्योंकि बजट सेशन अगले 10-12 दिन मजीद चलना है। नहीं, वो तो चलेगा, मतलब मैं नहीं कह रहा हूँ, डेवलपमेंट्स आते रहेंगे, मैं यही कह रहा हूँ कि ये 48 घंटे जिस तरह अभी देखिए ना, जब तक हम बायर कवरेज कर रहे थे यहाँ तक पहुँचते पहुँचते हमारे पास कितनी खबरें आई, जाहिर सी बात है, तो हमसे फोन पर कुछ चीजें और हमें बताया गया जो हमने शेयर की। बहरहाल हम इसमें मैं कह रहा हूँ कि हो सकता है मे भी 10 दिन लगे, 15-10 दिन का तो दावा उस तरफ से हो गया पीटीआई की जानिब से के आप देखेंगे क्या होगा। किसी यही वो जा रहे कि आने वाले जो दिन है ना, जो डेवलपमेंट सियासी डेवलपमेंट होंगी। अच्छा, एक चीज़ मैं और आपको बता दूँ, अगर अपोजिशन मान गई इन 2-3 दिनों में वापस असम्बली में आ गए, असम्बली में आके बैठ गए, तो समझ लेना कि बजट पास हो जाएगा, अपोजिशन नहीं आएगा। अगर अपोजिशन नहीं आया, मैं आपको मैं एक सीक्वेंस में बता रहा हूँ, सरदार यार अरन साहब आज ताने गए अपोजिशन से मिले, क्या लेके गए थे? मिठाई लेके। इसका मतलब आपस में उनका कोई अंडरस्टैंडिंग है ना, इसलिए मैं कहता हूँ थोड़ा अपोजिशन के उसमें भी देखें, अगर अपोजिशन आके बैठ गई तो समझ लेना मामला तय हो गया, अगर अपोजिशन डटी हुई है तो समझें कि मामला अंदर से और बाहर से गड़बड़ है। तो बस मैं भी यही कह रहा हूँ ना कि आइंदा चंद रोज नाज़रीन जो खबरें हमारे पास थी वो हमने आपके साथ शेयर किया, और हमने तजिया भी इस पर किया, रशीद ने भी खुल कर तजिया किया, अब देखते हैं बारिश बरसेगी ऊपर से क्या तब्दीली रुनुमा होती है नहीं, लेकिन ये इम्कान को रद्द नहीं किया जा सकता कि बलूचिस्तान में आने वाले दिन सियासी हवाले से बहुत ज़्यादा अहम है। अब देखते हैं कि किस तरह की तब्दीली आएगी, पहले भी जाम हुकूमत के खिलाफ बातें तो हो रही, लेकिन अब चूँकि नवयत कुछ और है। बहरहाल हमें इजाज़त दीजिए मुझे और रशीद को, लेकिन एक बार फिर हम कहते हैं कि हमारे प्रोग्राम पर हमारे तजियों पर अपनी आरा और कमेंट ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मुझे शानवास बलोच और रशीद को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज।